बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज 9 सितंबर सन 2020 और दिन बुध को ओमान एयर ने ऐलान किया है एयरपोर्ट खुलेगा तो 12 मुल्कों के 16 शहरों में उनकी रेगुलर यानी शेड्यूल्ड फ़्लाइट चालू की जाएंगी। और अगर आप इनमें से किसी फ़्लाइट का सफ़र करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रابطہ कर सकते हैं या अपने ट्रैवल एजेंट के साथ रابطہ कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमती वीडियोज़ के लिए। तो 12 मुल्कों के जो 16 शहर हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो 1 अक्टूबर सन 2020 से उनकी फ़्लाइट चालू होगी आने जाने के लिए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले नंबर एक पर जो शहर है वो है लंदन, और नंबर दो पर जो शहर है वो है इस्तंबुल, और नंबर तीन पर है फ्रैंकफर्ट, और नंबर चार पर है काहिरा, और नंबर पाँच पर है मुंबई, और नंबर छः पर है दिल्ली, और नंबर सात पर है कोची, और नंबर आठ पर है दुबई, और नंबर नाइन पर है दोहा, और नंबर दस पर है दारुल इस्लाम, और नंबर ग्यारह पर है जंजबार, और नंबर 12 पर है कोलालमपुर, और नंबर 13 पर है मनीला, और नंबर 14 पर है लाहौर, और नंबर 15 पर है इस्लामाबाद, और नंबर 16 पर है खसब यानी ओमान का अपना ही एक जज़ीरा है जो दुबई के जब दुबई ख़त्म होता है पूरा तो उसके बाद में आता है। लेकिन आने वाले चंद दिनों तक मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाएगा, या चंद दिनों तक मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा, या 1 अक्टूबर सन 2020 के बाद में मज़ीद दूसरे शहर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। कुछ इंडिया में बैन की ट्रैवल बैन की वजह से कुछ दूसरे शहरों में अभी फ़्लाइटें नहीं हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा है ओमान एयर। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूल हैं वो सब फॉलो किए जाएंगे, और जितना भी अमला होगा वो भी हर वह सूट पहना होगा, चेहरे पर मास्क ज़रूर डालिएगा, और जितने भी रूल हैं वो सब ओके होंगे ताकि वो अपने कस्टमरों को बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकें। तो ये थी एक छोटी सी मालूमती वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।